अनबिलीवेबल, इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है इतने कम रेमेडी में और इतने कम समय में, क्या बताऊँ। इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फैशन क्रिएटिविटी बाय साइदा चैनल में बरसात की एक नई एक और ब्लॉग लेके हाजिर हो गई हूँ। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स कितनी ज़ोरदार और कितनी तेज़ से बारिश हो रही है। इवन हवा भी बहुत ज़ोर की चल रही थी, दरवाज़े सारे पटक रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा बरसात वाला। तो इस मौसम में क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, मूड भी बड़ा अच्छा हो रखा है। क्या करूं, इतना बारिश है, कुछ अच्छा भी खाने का मन कर रहा है पर डाइट पे हूँ, क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा है। पर आज जो चिकन लाई हूँ उसके साथ ही कुछ करती हूँ, पर उसका रेसिपी नहीं मिलेगा। हाँ, पहले से बता रही हूँ क्योंकि वो है ना मेरा जो कुकिंग चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट मैं आई बटन पे है ना उसके लिंक में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हो। एंड बाय द वे, मुझे चिकन भी अगर बनाना है तो उसके लिए कर्ड और थोड़ा कुछ सामान लेने जाना है। ये एक सरप्राइज़ रेसिपी है, शायद मैं कबाब टाइप का कुछ बनाऊंगी, ऐसा ही कुछ बनाऊंगी क्योंकि डाइट पे हूँ, कुछ अच्छा भी खाने के लिए मन कर रहा है और कुछ ऑयली भी नहीं खा सकती हूँ, समझ सकते हो। क्योंकि आप लोग के साथ मैं शेयर करना तो भूल ही गई हूँ, एक्चुअली मुझे ना PCOD है काफ़ी दिनों से, और ये सारे जो देख रहे हैं ना ये उसी के वजह से इतना सारा है। तो मेडिसिन तो चल ही रही है पर फिर भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वेट घटाओ वेट घटाओ, तो इसके लिए सोचा नहीं है, अब ठान लिया है कि वेट कम करते हैं, थोड़ा डाइट वाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज तो नहीं हो पाती है बट मॉर्निंग वॉक शुरू करी हूँ, फिर रात में जैसे खाना वाना खाने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ा बाहर से भी घूम के आ जाती हूँ 15-20 मिनट, और सुबह भी थोड़ा चल लेती हूँ। घर में ट्रेडमिल है पर बाहर की हवा तो अच्छी लगती है ना, बाहर वॉक करना वो एक अलग ही मज़ा होता है नेचुरल हवा में। घर में और कितना दिन बन रहे हैं और बन रहने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे भी मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी अभी जो बारिश का मौसम है इतना अच्छा हवा आता है, इतना अच्छा मौसम चल रहा है तो बाहर भी थोड़ा जाने का मन कर रहा है। और मेरी तकदीर भी बहुत ख़राब है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ देखती हूँ बारिश नहीं है, और जैसे ही निकलती हूँ वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। तो चलिए नीचे जाते हैं और कुछ जो जो चाहिए वो सामान लेके आते हैं, लाइक नींबू चाहिए, नींबू लाना मैं भूल गई, थोड़ा कर्ड लाना है और क्या, और कुछ नहीं है। हाँ, और एक चीज़ लाना था, रोस्टेड चना स्नैक्स के लिए। हाँ, दूध भी नहीं है, दूध भी लाना है, तो ये सब लेके आते हैं, चलिए फटाक से जाते हैं। तो पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बड़े पैंट पहनने पड़ेंगे, पानी जम गई है कितने सारे, मैं चेंज कर लेती हूँ फिर थोड़ा साइड से जाना पड़ेगा नहीं तो भीग जाएंगे, जाने के लिए भी डर लग रहा है, ये पाइप के ऊपर से पूरा फिसल के गिर गई तो पूरा भीग जाना पड़ेगा। चलिए क्रॉस कर लिए पानी वाला हिस्सा, अब चलते हैं आगे की तरफ, दुकान नीचे ही है घर पे। एक चीज़ लॉकडाउन में यहाँ पे बड़ा सही था, ऐसे तो जो जनरल स्टोर वगैरह है वो तो है ही है, इसके ऊपर से यहाँ पे फिश मिल जाती थी, वेजिटेबल वगैरह मिल जाता था। और ये रहा सामान लेके आ गई, ये रहा मेरा रोस्टेड चना, और ये रहा नींबू, ये एक नींबू थोड़ा ख़राब दे दिया है, नींबू लाई हूँ, और लाया मैंने बहुत सारा कर्ड,
ये रहा, ये मदर डेरी का है, ज़्यादातर मैं अमूल का लाती हूँ। आप लोग के पास सवाल हो सकता है, खुला कर्ड क्यों नहीं लाती हूँ, मतलब जो डेरी वाला कर्ड रहता है वो लाते हैं तो ज़्यादा दिन रहता नहीं है, ये लाई हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा ज़रूरत होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी और एक एक कप ऐसे ही रहेगा। और अब सारे चीज़ों को वॉश कर लेते हैं क्योंकि प्रिकॉशन ज़रूरी है, तो मैंने दूध के पैकेट को वॉश कर लिया है, अब दही के पैकेट को भी मैं सारे जो कप हैं सबको मैं वॉश कर लूँगी और इन लोगों को थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं फ्रिज में उठाऊँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे दही भी दूध भी। हाँ, नींबू को भी मैं साथ में वॉश कर लेती हूँ, रख दिया था। आप तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मालूम पड़ेगा, चिकन को थोड़ा भिगा के रखती हूँ और ये रहा चिकन मैरिनेट हो गया है। इसका वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, आई बटन पे दे दूँगी। और ये रहा मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, ये रहा बाकी का चिकन, एक दिन सब नहीं खाऊंगी, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने 5 पीस लिया है, इसे मैं फ्राई करूंगी। और एक सलाद बनाया है कचुम्बर टाइप का, उसके साथ खाऊंगी। तो ये रहा मेरा डिनर रेडी है, ये रहा मेरा सलाद और ये रहा मेरा चिकन, बड़ा ही यम्मी सा है, पेट भी भर जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगी, फाइबर भी मिल जाएगा। तो चलिए डिनर कर लेते हैं। हे गाइस, ऑसम टेस्ट, अनबिलीवेबल, इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है इतने कम रेमेडी में और इतने कम समय में, क्या बताऊँ। चिकन इतना जूसी है, पक भी गया अच्छे से इतना कम समय में और बहुत जूसी है, टेस्ट की तो कोई बात ही मत करो, बहुत अच्छा हुआ है। लोग बहुत टाइम सोचते हैं ना डाइट में सादा सादा खाना होगा, फीका फीका खाना होगा, कैसे खाएंगे, पर बहुत हेल्दी खाना होता है। ये जो मेरा सलाद है, शायद चिकन ना भी होता तो भी मुझे ये इतना टेस्टी बना है, पहले भी बनाती थी और अभी भी बनाई हूँ, पता नहीं शायद कभी कभी हाथों में जादू भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। रात में घूमने का मज़ा ही अलग है ना, अभी तो कितना बज रहे है, 10 बज रहे। ये रोड पे तो इतने टाइम में गाड़ी की काव 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 सुनाई देती थी, अभी तो एकदम शांत है, अंधेरा हो गया। ये जो रोड दिख रही है ना, ये मेन रोड आ गया, और लॉकडाउन से पहले तो मतलब मोस्टली यहाँ पे ऐसा ही रहता है, दिन भर बहुत ट्रैफिक रहता है इस रोड पे, पर देख पा रहे गाइस दिन दिन के एक दो गाड़ियाँ जा रही है, अभी तो गाड़ियाँ जा रही है, तो लॉकडाउन पूरा रोड ही सुनता है। चलो फाइनली घर पहुंच गए, आज का दिन ख़त्म और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, काफ़ी देर हो गया, 10 बज गए हैं, 10:20 हो रहे हैं, तो बस आज का दिन यहीं पर ख़त्म, गुड
नाइट, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.